एनएलएम में हम लोग थोड़े से स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, जैसे एक ब्लॉक है वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उसके साथ में एक और ब्लॉक है ये भी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और इधर हमारे पास फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये तीनों ब्लॉक M1, M2 और M3 इस फोर्स की वजह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सब के सब कहाँ हैं, ग्राउंड पे रखे हुए हैं, क्लियर। अब इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, तीनों ब्लॉक आगे बढ़ने लगे, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आएगा, याद करो मैंने लास्ट टर्न पे भी यहाँ पे लिखा, अभी भी यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सेलरेशन जो होता है ये हमारे पास एफ नेट अपॉन टोटल मास होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एफ नेट क्या है, सिर्फ कैपिटल एफ, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया एफ अपॉन टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। अब आपसे पूछा जाता है कि जो रस्सी लगी हुई है यहाँ पे, इनमें टेंशन मान लो यहाँ पे T1 है यहाँ पे T2 है, तो आपको T1 T2 कैलकुलेट करने को बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल एबिडीज बनानी है, जैसे M3 का बनाओ, तो M3 के लिए जब हमने बात करी तो ये रहा M3, ठीक है, और इस पर टेंशन इधर T2 है और ये ब्लॉक इधर की ओर एक्सेलेरेट कर रहा है, तो बच्चों T2 आपके पास कितना आ चुका है, दैट इज़ योर M3 इंटू A, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर T1 निकालना चाहते हैं तो पहले वाले ब्लॉक को पकड़ लो M1, इधर की ओर आपका फोर्स F लग रहा है, इधर की ओर टेंशन T1 लग रहा है, तो F माइनस, चूँकि ये नेट एक्सेलेरेट उधर कर रहा है ना, तो F नेट कितना होगा, F माइनस T1 इक्वल टू M1A, तो यहाँ से आपके पास F M1A इधर आ जाएगा, F माइनस M1A इक्वल टू T1, ठीक है बच्चों। और यहाँ से आपकी A की वैल्यू उसमें डल जाएगी, ठीक है, यहाँ से आपके पास में टेंशन T1 और टेंशन T2 दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, क्लियर है। ऐसे कैसे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है ये एक रस्सी और इस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास है मान लो 10 kg, अब आपसे पूछा जाए बताओ इस रस्सी में टेंशन कितना है, क्योंकि ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो रस्सी में टेंशन देखो कितना आएगा, ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे mg है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, वो आएगी T = T - mg = 0। बच्चों सबमिशन F = ma लगाओ हर बार तो आप खुश रहोगे, तो यहाँ से टेंशन कितना आया, mg, दैट इज योर m कितना है 10, g है 10, तो ये आ गया 100 न्यूटन। लेकिन मान लो यही पूरा सिस्टम जो है ऊपर की ओर एक्सेलरेट करते हुए है बच्चों, 10 kg का ब्लॉक है ऊपर की ओर 2 m/s² से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए टेंशन कितना है, तो ये टेंशन T देखो वो नीचे mg, लेकिन बच्चों नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो रहा है, तो T - mg = ma आएगा आपके पास, दैट इज T = mg + ma, m कितना है आपके पास 10 × 10, ठीक है, प्लस 10 × 2, दैट इज योर 120 न्यूटन। तो देखो पहले से टेंशन में चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता तो बात अलग होती, अच्छा अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता होता तो भी नेट फोर्स इक्वल टू जीरो आता, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, ये दोनों बातें इक्विलिब्रियम की है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, नोट करो इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास में है एक ब्लॉक जिसका मास है 2 kg, एक और ब्लॉक जिसका मास है 4 kg, इस ब्लॉक को ऊपर की ओर 120 न्यूटन से उठाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, ध्यान रखना ये हवा में है सिस्टम, तो आपको पूछा गया है इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा। सबसे पहला काम आपका एक्सेलरेशन निकालने का होना चाहिए। अब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, एफ नेट अपॉन टोटल मास, यही मैंने बोला था। नाउ नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है 120 के अलावा क्या लग रहा होगा, सही बात है, लेकिन मैंने बोला है नेट, इसका मतलब इसको कोई रोकने वाला फोर्स भी हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, कौन सा है, इधर देखो 20, इधर देखो 40, समझ में आया, ये टोटल mg जो नीचे की ओर लग रहा है इसके ऊपर, ये नेट फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में है ना, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 120 - 20 - 40 है बच्चों अपॉन टोटल मास, अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 6,
क्लियर है। तो ये कितना आ गया आपके पास में, 60 60 60 बाई 6, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि इस रस्सी में टेंशन कितना है। बच्चों ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि सर नीचे की ओर टेंशन भी तो लग रहा है इस ब्लॉक पे? अगर टेंशन इधर की ओर लग रहा है तो इधर की ओर भी तो टेंशन लग रहा है, तो सिस्टम के लिए नेट टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। नाउ आपको पूछा गया टेंशन कितना होगा, तो आप क्या करो, या तो नीचे वाले सिस्टम को पूरे को ले लो, इस पूरे सिस्टम को ले लो, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को लेने पे हमको देखो क्या पता लग रहा है, ऊपर कितना है टेंशन, टी लग रहा है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ इस ब्लॉक को, दैट इज योर 4 kg। आप चाहो तो ऊपर से कैलकुलेट करो, चाहो नीचे से कैलकुलेट करो, एक ही बात है। ऊपर टेंशन टी हो गया, नीचे 40 हो गया, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन कितना आएगा, ये आएगा टी माइनस 40 इक्वल टू 4 × 10। तो टेंशन कितना आ गया बच्चों आपके पास में, 80 न्यूटन। आप चाहो तो ऊपर से भी इसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ऊपर मेरे पास है 2 kg, ऊपर है फोर्स 120 न्यूटन का, नीचे एक तो फोर्स है 20 का और एक टेंशन है T2, और ये सिस्टम ऊपर की ओर एक्सेलेरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सही है। इक्वेशन लिखो नेट, 120 माइनस 20 माइनस T2 इक्वल टू m इंटू ए, m कितना है 1 a 2, और ये 10, तो 2 इंटू कितना हो गया 10। तो अब T2 तुम्हारे पास कितना आ गया, ये 20 उधर आएगा, नेगेटिव में 20 20 40, 120 में से 40 गए 80 न्यूटन। जहाँ से चाहो वहाँ से आप निकाल के बैठ सकते हो टेंशन इसको, T2 को। क्लियर है बच्चों, आसान सवाल था। अब अगर मान लो मैंने क्या किया, इस रस्सी की जगह पे बच्चों एक रोप लगा दी, ध्यान रखना अब तक मैं स्ट्रिंग बोल रहा था, अब मैं रोप बोल रहा हूँ। वही 120 न्यूटन का फोर्स है ना, इसका मास अभी भी 2 kg है, ये 4 kg का है, और जो रोप है वो मान लो 2 kg का है, ठीक है। इसका ये मिड ए है, ये इसका मिड बी है, ये पॉइंट सी है। चूंकि रोप है तो रोप का मास होगा, और एक बार अगर रोप का मास होगा तो बच्चों टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, यानी कि स्ट्रिंग के केस में हम लोग तब तक टेंशन सेम मान रहे थे जब तक हम लोग स्ट्रिंग का मास नहीं ले रहे थे। तो अब अगर हमने मास कंसिडर किया तो हर पॉइंट पे अलग अलग हमारे पास में टेंशन आएगी। तो आपको टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी बताना है, क्लियर। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बच्चों, क्योंकि नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं, 120 माइनस नीचे कितना है टोटल, देखो 2 2 4 और 8, टोटल 80 न्यूटन नीचे लग रहा है, अपॉन टोटल मास 4 5 6 7 8 8 हो गया। बोलो बच्चों ये समझ में आया, कितना आया, ये आया 40 बाई 8, और इससे ये कटा तो ये आ गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही बच्चों। नाउ अगर ये मेरे को पता चल गया कि ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करो FBD बनाओ। अब FBD के लिए आपको टेंशन चाहिए पॉइंट ए के लिए, तो पॉइंट ए तक तोड़ दो। मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले को ऊपर ले लो, नीचे वाले को नीचे ले लो। अगर ऊपर वाले को तोड़ दिया तो देखो क्या है, ये हो गया 2 kg, ऊपर हमारे पास है 120 न्यूटन, नीचे ऑलरेडी इस पर 20 लग रहा है, और साथ में नीचे की ओर टेंशन टी लग रहा है, क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर टेंशन नीचे की ओर है, सही है। और ये नेट एक्सीलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर, क्लियर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज योर 120 माइनस 20 माइनस टी ए इक्वल टू 2 × 5, दैट इज 10। तो टी ए तुम्हारे पास कितना आ चुका है बच्चों, 120 में से 20 गए 100, और ये 90 न्यूटन, ठीक है बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, आपको चाहिए टेंशन एट बी, तो टी बी आपके पास में कितना आ चुका है बच्चों। अब आप क्या करो, जहां से आपको पूछा गया वहां से उसको तोड़ दो। जहां से आपने तोड़ा, मान लो यहां से आपने तोड़ दिया बी को बीच में रखते हुए, तो ऊपर वाले पूरे सिस्टम को एक ही मान लो। अगर पूरे सिस्टम को एक मान लिया तो बच्चों FBD बना लो इसका। इसका FBD इस तरीके से आएगा, ऊपर लग रहा है 120, ठीक है, नीचे लग रहा है आप देखो 2 और 1, टोटल कितना मास हो गया 3 kg का, नीचे हो गया 30, और टेंशन TB, क्योंकि हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं, टेंशन TB हो गया, और किधर की ओर एक्सीलरेट करता हुआ है, ऊपर की ओर कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
क्लियर। नाउ इसका मास कितना है हमारे पास, 3 kg। लिखो इसके लिए इक्वेशन, 120 माइनस 30 माइनस टीबी इक्वल टू 15। तो टीबी तुम्हारे पास कितना आ गया बच्चों, 90 माइनस 15, दैट इज 10 से 5 गए 5, 8 और 1 7, 75 न्यूटन आएगा बच्चों। उसके बाद आपको निकालना है सी पर, तो आप क्या करो वापस से इसको यहाँ पे तोड़ लो, जब सी पे चाहिए तो नीचे वाले को अगर अलग ले लिया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चाहो तो आप ऊपर से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि जहाँ से हमें आसानी से निकल जाए वहाँ से हम लोग निकाल लें। अगर टी सी ले लिया, अगर आप इस पॉइंट से निकाल रहे तो ऊपर वाले सिस्टम को पूरे को एक मान के टोटल मास आपका 4 kg हो जाता। इस केस में आप यहाँ से मानोगे तो आपका मास 4 kg है ऑलरेडी, तो ये हो गया 4 kg। टी सी ऊपर लग रहा है, नीचे की ओर 40, और बच्चों क्या लग रहा है देखना, और ये ऊपर की ओर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, 5 m/s² से। तो क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, टी सी माइनस 40 इक्वल टू एम ए, दैट इज 20, 5 × 4 = 20। तो टी सी कितना आ गया आपके पास बच्चों, 60 N। क्लियर, हर पॉइंट का हम लोगों ने क्या निकाला, टेंशन निकाला। नोट करो, देखो बच्चों एक दीवार है और एक सीलिंग, ठीक है, दीवार से एक रस्सी पे एक बॉल लगी हुई है बच्चों जिसका मास है m, और ये एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है जो वर्टिकल से यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। इस समय ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उस समय रस्सी में जो टेंशन थी वो है T1। क्लियर, नाउ हमने क्या किया, इस रस्सी को कट कर दिया, रस्सी को कट कर दिया तो ये बॉल ऐसे स्विंग करती हुई इधर आएगी, जस्ट कट किया है बच्चों, ये बॉल यहाँ पहुँच चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस समय एंगल क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन जब ये बॉल यहाँ पहुँचेगा तब इसमें टेंशन T2 होगा, तो T1/T2 आपके पास में क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये बात समझें, ठीक है। याद है मैंने लास्ट बताया था आपको कि हम लोग एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को तोड़ते हैं, क्लियर। नाउ आप मेरे को यहाँ पे बता सकोगे कि यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो बिल्कुल कटने से पहले की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, पहले तो बताओ ये कटने के बाद ये एंगल कितना होगा। बस मैंने इस रस्सी को कट किया है, खट, इस रस्सी को कट करने पर ये बॉल उधर उतना ही जाएगा जितना इधर था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपके पास थीटा बच्चों कितना आ चुका है, थीटा हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ये बात समझ में आई। नाउ आप देखो, पहले तो मैं इसका एबीडी बनाता हूँ इस बॉल का जब ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मेरे को टेंशन T1 चाहिए। तो ध्यान से देखो, आपका mg इधर लग रहा है बच्चों, टेंशन T इधर है, और ये एंगल 30 है तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी 30 होगा, टेंशन का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में T1 cos 30 होगा। और बच्चों इस समय बॉल अगर मूव नहीं कर रहा है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो क्या, कि T1 cos 30 degree माइनस mg इक्वल टू 0। तो यहाँ से T1 कितना आया बच्चों आपके पास में, mg/cos 30, और cos 30 कितना हो गया हमारे पास में, √3/2mg/√3, ये हमारे पास T1 है, क्लियर है। नाउ जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचती है बच्चों, ठीक है, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची, तब आप ये देखो ध्यान से, मैं आपको इस इंस्टेंट का बोल रहा हूँ, तो इस इंस्टेंट पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है इस इंस्टेंट पे बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए टेंशन T2 इधर है, mg इधर है, तो ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो मूव कर रही है ना यार, तो इस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही तो होगा, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, ये एंगल आपके पास में 30, तो ये एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा 30, तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, दैट इज योर mg cos 30, क्योंकि mg sin theta से तो ये एक्सेलरेट करेगा, क्लियर। तो इस इंस्टेंट पर ये रेस्ट पर है और इस डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ के लिए, दैट इज T2 minus mg cos 30 = 0। तो T2 कितना आ गया बच्चों आपके पास में, mg cos 30। T2 कितना आ चुका है, cos 30 कितना हो गया √3/2, तो ये आ गया √3/2
एम जी। अब आपको क्या चाहिए, टी वन बाई टी टू डिवाइड करो टी वन बाई टी टू बच्चों, तो डी आ गया टू एम जी बाई रूट थ्री, और ये आ जाएगा रूट थ्री एम जी बाई टू। ठीक है, तो एम जी से तो एम जी चला जाएगा, पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा, तो ये हो गया फोर अपॉन थ्री। तो टी वन बाई टी टू का रेशियो फोर बाई थ्री है। एक चीज बताता हूँ बच्चों, अगर आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में देखो इतना प्यारा कंसेप्ट है, यहीं से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है ना, आप और भी तरीके से निकाल सकते हो, बस शर्त ये कि आपको पता होनी चाहिए वो बात। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बच्चों आपने पढ़ा है कि हम किसी पॉइंट पर अगर सेंट्रीपिटल का इक्वेशन निकालते हैं, जैसे इस पॉइंट पर मेरे को सेंट्रीपिटल का इक्वेशन निकालना है, तो क्या इक्वेशन बनती है सेंट्रीपिटल की, बिल्कुल t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। किस इंस्टेंट का हो गया ये, इस इंस्टेंट का। ठीक है, जब इस इंस्टेंट की बात करें तो आपको पता है ये बॉल अगर यहाँ से यहाँ चल के आई तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये टर्म तो ऐसे ही चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। देखो बच्चों ये आ रहा है क्या, t इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। क्लियर है बात, ये बहुत काम की चीज़ है बच्चों। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी टेंशन आप वैसे ही निकालें कि t2 का कंपोनेंट लेके इधर और इधर mg cos थीटा, t2 cos थीटा इक्वल टू mg, गलत हो जाएगा। हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्सेस के कंपोनेंट्स को तोड़ना होता है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक स्ट्रिंग है जिसका मास है m और लेंथ है l, ठीक है, और आपको पता है अगर एक बार मास आ गया रोप पे तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा। तो हमको बताना है कि रोप के इस एंड से x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर टेंशन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, टेंशन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चूंकि ये रेस्ट पर है ना, तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि आखिर ये पार्ट है कितना। एक बार हमको ये पार्ट मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप x लेंथ का क्या निकाल लो, मास निकाल लो, ताकि मैंने आपको बताया ना क्या करो, आप टुकड़े कर लो, टुकड़े करते ही जहाँ पे आपको पूछा गया वहाँ पे टुकड़े कर लो, ऊपर का पार्ट ऊपर नीचे का पार्ट नीचे, और उसके बीच में एक स्ट्रिंग डाल दो। ठीक है, तो ऊपर का पार्ट ऊपर हो गया नीचे का पार्ट नीचे हो गया, तो आप मेरे को बताओ नीचे का पार्ट का मास कैसे निकालें। सिंपल है, एल लेंथ पर मास कितना है एम, तो यूनिट लेंथ पर मास कितना हो गया एम बाई एल, तो एक्स लेंथ पर मास कितना हो गया m by l x, तो इतना मास हमारे पास कहाँ है बच्चों, यहाँ है, है ना। तो इस पॉइंट का हम लोग टेंशन निकालने जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर टेंशन कहाँ लगेगा, इस अगर ये इसको खींचेगा तो इस पर टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, सही है, टेंशन इस पर लगेगा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर इस पर क्या लगने वाला है m dash g, ये रहा वो m dash, ठीक है, m dash g हो गया ये। नाउ m dash g अगर एक बार आपने निकाल लिया बच्चों, तो आपको पता है कि ये tx है, तो नेट इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखूं मैं, टी एक्स माइनस एम डैश जी इक्वल टू जीरो, तो टी एक्स आपके पास कितना आ गया एम डैश जी, तो एम डैश आपके पास कितना है बच्चों, दिस इज एम बाई एल एक्स, अगर मास आपको स्मॉल टर्म्स में दिया है तो इसको आप कैपिटल में ले लो, क्योंकि पूरी जगह में कैपिटल ले चुका हूँ, तो एम बाई एल एक्स इंटू जी, दिस इज योर टेंशन। क्लियर बच्चों, नोट करो। नाउ बच्चों पुली से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब पुली को हम लोग इंसर्ट करते हैं। देखो अगर मैं पुली को इंसर्ट करता हूँ तो ये रही हमारे पास में पुली, ठीक है, और इधर एक रस्सी इधर एक रस्सी, ये रस्सी इधर से होते हुए ऐसे आ रही है, और ये रही हमारे पास पुली, है ना। कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की है, अगर पुली कैसी है आपके पास में, मासलेस, ये मासलेस होगी, ध्यान रखना, अगर मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो। अगर इस रस्सी में टेंशन T है, तो देखो टेंशन दिखाते कैसे हैं, पहले तो ये सीख लो आप। अगर इस पॉइंट से आप बात कर रहे हो तो टेंशन T इधर की ओर है, इस पॉइंट से आप बात कर रहे हो तो टेंशन T इधर की ओर है, ठीक है, और इस रस्सी के अंदर जो टेंशन आएगा वो इन दोनों का डबल आएगा, टूटी आएगा, ये बातें आप लोगों को सीखने की है, ठीक है। तो अगर ये बात एक बार आपको पता चल गई, तो अब देखो आगे मैं आपको कुछ बताता हूँ क्वेश्चन लेकर के। जैसे आपको ये बात पता होगी, मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया यहाँ पे, है ना, 2 kg का, और यहाँ एक ब्लॉक लिया 3 kg का। आपको पता है कौन सा ब्लॉक किधर जाने लगेगा, मैं ये बोलता हूँ कि ये पुली मासलेस है,
ठीक है, और फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब इस पूरे रस्सी में टेंशन कैसा आएगा, सेम। अब आपको नज़र आ रहा है कौन सा ब्लॉक भारी है, ऑब्वियसली 3 kg अगर भारी है तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो उसी दौरान ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सही है, आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना और रस्सी में टेंशन बतानी है। तो सिस्टम पे एक्सेलरेशन बताना आपके लिए बहुत आसान है। कैसे एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, एफ नेट अपॉन टोटल मास। अब बताओ बच्चा एफ नेट कैसे निकाले, इसको नीचे ले जाने वाला नेट फोर्स कितना है, दैट इज योर 30 N, और इसको रोकने वाला कौन है, रोकने वाला इधर की ओर है, कितने से, 20 N से। mg लग रहा है ना, नीचे दोनों तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 30 - 20 अपॉन टोटल मास कितना है सिस्टम का, 3 × 2 = 5 kg। बोलो ये बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन आपके पास में कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया आपके पास में 10/5, दैट इज 2 m/s². अगर 2 m/s² आपके पास में एक्सेलरेशन आ चुका है बच्चों, तो टेंशन निकालना बहुत आसान है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पर टेंशन T, ऊपर नीचे mg, और ये सिस्टम एक्सेलरेट कहाँ कर रहा है, नीचे की ओर, कितने से, A से, 2 m/s² से। तो आप क्या लिख सकते हो नेट इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए, दैट इज योर 30 - T = ma, दैट इज 3 × एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 2। तो टेंशन आ चुका है 30 - 6, दैट इज 24 N। इस पूरी रस्सी में जो टेंशन आएगा वो 24 N आएगा। नोट करो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है। इसे मान लो एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक यहाँ है, ये 20 kg का ब्लॉक है बच्चों, ठीक है, ये 10 kg का ब्लॉक है और ये भी 10 kg का ब्लॉक है, क्लियर। नाउ आपको नजर आ रहा है कि सिस्टम किधर दौड़ेगा, ऑब्वियसली इधर दौड़ेगा। इसमें रस्सी कितनी यूज करी है मैंने, 2, एक रस्सी ये रही, एक रस्सी ये रही, आपको ये पुली नजर आ ही रही है, ठीक है। नाउ तो टेंशन, रस्सी 2 है तो इसमें टेंशन कितना आएगा, अलग अलग T1 और T2। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे T1/T2 का रेशियो क्या आएगा। चूंकि आप जान रहे हो कि सिस्टम ये पूरा का पूरा एक साथ भाग रहा है, कनेक्टिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, अगर बीच में स्ट्रेचिंग नहीं होती है। स्ट्रेचिंग मतलब अगर हमने स्प्रिंग लगा दिया एक ब्लॉक के साथ में, तो पहली वाली ब्लॉक को अगर हम खींच रहे तो पहले स्प्रिंग बढ़ेगी, पीछे वाला ब्लॉक सरकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक आगे बढ़ता है तो सारे के सारे उसके पीछे चल देते हैं, इसका मतलब इन सबका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, सेम आएगा। तो इन सबका एक्सेलरेशन अगर सेम है ना बच्चों, तो बताओ नेट फोर्स आपको कितना लग रहा है। तो ध्यान से देखो, आप नीचे लाने में रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये है, कितने से, 200 N से, और नीचे आने में रुकावट कौन डाल रहा है, ये, कितने से, 100 N से। ये क्या डाल रहा है, कुछ नहीं डाल रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस्ड है, क्लियर। नाउ आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, चूंकि ये लाना चाह रहा है ये रोकना चाह रहा है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो 20 × 10 = 10, दैट इज 40। बोलो बात समझ में आई। तो ये कितना आ गया, 100/40, ये आ गया 5/2, दैट इज 2.5 m/s², इसका एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर बच्चों। नाउ एक साइड का आप तोड़ लो, इस ब्लॉक को आप पकड़ लो, अगर इस ब्लॉक को पकड़ते तो नीचे 200 है, ऊपर की ओर T2 है, और एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर है। तो नेट फोर्स आप क्या लिखोगे बताओ, नेट फोर्स के लिए इक्वेशन लिखोगे 200 - T2 = ma, दैट इज 20 × a। ए कितना है बच्चों आपके पास में, 5/2 ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। T2 उधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 200 - इससे ये कटेगा 10, ये 50 उधर आएगा, तो T2 कितना है बच्चों आपके पास में, 150 N, क्लियर है। वहीं अगर आप बात करते हो इधर के लिए, तो इधर आपका 100 N ऊपर लग रहा है, और टेंशन T1 कहाँ लग रहा है बच्चों, ये भी ऊपर लग रहा है, तो नेट ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो इक्वेशन क्या लिखे, T1 - 100 = ma, दैट इज 10 × 5/2, इससे ये कटेगा, 5 आ गया तो इधर 25 हो जाएगा, तो 100 उधर जाएगा, तो बच्चों T1 कितना आ गया, 125 N, क्लियर। तो आपको पूछा गया है T1/T2 का रेशियो क्या होगा, तो T1 आपके पास आया है बच्चों 125, और T2 आपके पास में आया है 150, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, नोट करो इसको। नाउ कुछ क्वेश्चन बच्चों इसमें इस तरीके से भी चलते हैं, देखो बहुत आसान है, मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखो
ये एंगल मान लो थीटा वन है, या अल्फा मान लो, एक काम करो अल्फा, और ये एंगल बीटा है, क्लियर। और यहाँ पे मास रखा हुआ है आपके पास में m2, यहाँ मास रखा हुआ है m1। चूंकि पुली मासलेस है तो इस पूरी रस्सी में टेंशन कैसा आएगा, सेम आएगा। मान के चलो m2 ग्रेटर देन m1 है, अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो ये पूरा सिस्टम किधर की ओर दौड़ने की कोशिश करेगा, इधर की ओर। अच्छा, इधर कौन सा फोर्स इसको लेके आ रहा होगा, तो mg का कंपोनेंट, चूंकि mg तो ऐसे लग रहा होगा ना, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज mg साइन बीटा, ठीक है। और इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, इस डायरेक्शन में, दैट इज योर mg, ये m2 होगा बच्चों, m2 इधर हो गया, m1g साइन अल्फा, क्लियर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो बच्चों एक्सेलरेशन आ रहा है आपके पास में एम टू जी साइन बीटा माइनस एम वन जी साइन अल्फा अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज एम वन प्लस एम टू। और एक बार बच्चों आपने ये निकाल लिया तो एक साइड की इक्वेशन लगा करके आप टेंशन भी निकाल सकते हो, जैसे एम टू जी साइन बीटा माइनस टेंशन टी इक्वल टू एम ए, एम कितना है एम टू ए, तो यहाँ से बच्चों आप निकाल सकते हो टेंशन की वैल्यू।